हेलो फ्रेंड्स, लिटिल गार्डन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक बुरी खबर लेकर आई हूँ। जैसा कि आप वहाँ देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है और हवाएं चल रही हैं। अभी तो फिर भी हवा कुछ कम हो गई है, पर कुछ देर पहले, लगभग आधे घंटे पहले, यहाँ काफ़ी तेज़ तूफानी हवाएं चल रही थी और ये छोटा सा घोंसला हमारे घर के सामने आके गिर गया। और मेरी मम्मी को ये घोंसला मिला और इसके अंदर ये छोटा सा एग भी है। आई डोंट नो कि अभी इसका क्या करना है। हमारे यहाँ ऑलरेडी दो हमिंग बर्ड्स के घोंसले हैं, भगवान की दुआ से वो सही सलामत है। और ये वाला आई डोंट नो कहाँ से आया है, ये हमारे पेड़ों से तो नहीं लग रहा है। और हम फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे, और तब तक मुझे नहीं पता है कि इसका क्या करना है। मैंने कहीं कहीं यूट्यूब ट्यूटोरियल्स में अंडों के लिए इनक्यूबेटर्स देखे हैं, सो आई विल गो टू द यूट्यूब एंड चेक दैट आउट कि इनक्यूबेटर्स कैसे बनाने हैं। तब तक इस लिटिल वन का हम ख्याल रखेंगे, और मुझे सच में नहीं पता है कि ख्याल कैसे रखना है। तो अगर आपको बर्ड एग के बारे में कुछ भी पता हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी व्यूअर्स इस वीडियो को देखने वाले हैं, पर इस टाइम मुझे इसके लिए सच में ज़रूरत है थोड़ी हेल्प की। और अभी एक्चुअली मुझे सच में नहीं पता है कि ये किस चिड़िया का घोंसला है, क्योंकि ये हमिंग बर्ड अक्सर घोंसले बनाते हैं तो वो नीचे से छेद होते हैं, इसमें ऊपर से है और पत्तियाँ भी बहुत बड़ी है। हमिंग बर्ड इतने बड़े पत्ते नहीं गूँज सकते, पता नहीं। हमारे यहाँ तो चिड़ियाँ भी आजकल कम हो गई है, तो मैं सच में इसे बचाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स हमारे साथ रखें, और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम किसी और प्लांट के बारे में बात करेंगे। लेट्स सी हम इसकी कितनी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।